देखो आज हम पढ़ेंगे लोकल स्टोरेज। तो ओके सर। पहले हम पढ़ते हैं हार्ड डिस्क के बारे में, हार्ड डिस्क की परफॉर्मेंस और टाइप्स। तो देखो हमारे पास डिफरेंट टाइप के हार्ड ड्राइव्स होती हैं, उनके बारे में बताते हैं आपको। तो सबसे पहले जो हार्ड ड्राइव होती है उसे कहते हैं हम ईआईडीई ड्राइव। ईआईडीई ड्राइव जो है ये आईडीई ड्राइव ही होती है, ठीक है। तो इस तरह की जो ड्राइव होती है ये, इसकी जो परफॉर्मेंस होती है वो स्लो होती है, और ये डेस्कटॉप में यूज़ होती है। ये कहाँ पे यूज़ होती है? डेस्कटॉप्स में, ठीक है। तो ये बहुत ओल्ड स्टाइल है। अब इसमें जो होता है हमारे पास, इसमें पैरेलल केबल यूज होती है, ठीक है। और इस तरह की केबल को कहते हैं रिबन केबल। ये रिबन केबल से अटैच होती है, ठीक है। और ये हमेशा क्या होती है? पैरेलल होती है, ठीक है। तो हार्ड डिस्क जो होती है वो एक डिस्क कंट्रोलर से कनेक्ट होती है। तो जैसे कि अब मदरबोर्ड में आप क्या है, हार्ड डिस्क को कनेक्ट करोगे तो उसके लिए क्या होता है? एक डिस्क कंट्रोलर होता है। तो डिस्क कंट्रोलर कार्ड होता है एक, ये डिस्क कंट्रोलर कार्ड हो गया। अब एक कार्ड से आप क्या है, चार हार्ड ड्राइव को कम से कम कनेक्ट कर सकते हो। तो एक, दो, तीन और चार, ये आपकी सारी जितनी भी होंगी ये हार्ड ड्राइव होंगी, ठीक है। नॉर्मली ऐसे ही होता था पहले। ये आपका हो गया आईडीई कंट्रोलर, ठीक है। और ये सारी हार्ड डिस्क आप कनेक्ट कर सकते थे। नॉर्मली हम लोग क्या करते थे, इसके लिए हम लोग यूज करते थे रिबन केबल। किसी ने देखी है रिबन केबल किस तरह की होती है? ये जो होती है हमारे पास नॉर्मली आईडी ड्राइव होती है, ठीक है। और इसमें जनरली जो है, इस तरह की जो ड्राइव होती है इसमें, ये आप देख रहे हो, इसे कहते हैं प्लेटर, जिसके अंदर डेटा स्टोर होता है। तो हार्ड ड्राइव जो होती है, अगर उसे आप खुल के देखें इस तरह की ड्राइव को, तो अंदर क्या होती है? प्लेटें होती है, ठीक है। ये सारी प्लेटें होती है, बहुत मल्टीपल प्लेट्स लगी होती है, एक के ऊपर एक लगी होती है। और इसके पास देखो, ये देख रहे हो, ये हेड होता है, ये हेड मूवमेंट करता रहता है। ये हार्ड डिस्क जो होती है ये घूमती रहती है लगातार इस तरह से, इसमें मोटर लगी होती है। और ये जो हेड है, ये हेड इसके बीचों बीच लगा होता है, एक ऊपर लगा है, फिर एक दूसरी प्लेट है उसके बीच लगा हुआ है, फिर तीसरा हेड है, ऐसे करके मल्टीपल हेड जो है ये कनेक्टेड है इससे, और ये घूमती रहती है, हेड मूवमेंट करता रहता है ये। तो जैसे ये घूमेंगी, हेड जो है वो मूवमेंट करेगा आगे पीछे, ठीक है, जिससे कि क्या है कि ये जो भी डेटा इसके अंदर स्टोर है उसको हम रीड कर सके। तो इसमें क्या है, डेटा स्लो रीड होता है और स्लो ही राइट होता है, ठीक है। और इसकी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं मानी जाती, ठीक है। इस तरह की ड्राइव को हम पाटा ड्राइव भी कहते हैं। इस तरह की ड्राइव को क्या कहते हैं? पाटा। पाटा का मतलब होता है पैरेलल एटीए। एटीए का मतलब होता है एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। तो पाटा जो ड्राइव हो गई आपकी, इन्हीं को हमने बोला ईआईडी, ठीक है, पैरेलल एटीए, ठीक है। इसके बाद देखो हमारे पास सेकंड तरह की हार्ड ड्राइव है, इन्हें हम कहते हैं साटा। ये होगी पाटा, ये होगी साटा। साटा को बोलते हैं सीरियल एटीए। ये तो पैरेलल है, और साटा कैसी होगी? सीरियल एटीए। इसकी भी परफॉर्मेंस लो होती है, इसे कहते हैं सीरियल एटीए। एटीए का मतलब है एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, ठीक है। अब जो साटा जो ड्राइव होती है, इसमें इसमें रिबन केबल यूज नहीं होता है। इसमें क्या होता है, डायरेक्ट एक सीरियल केबल होता है वो यूज होता है, इतना पतला सा एक केबल होता है, दोनों एंड से सेम होता है, ठीक है। हार्ड ड्राइव में एक तरफ से लगता है, एक तरफ में मदरबोर्ड से लगता है।
ठीक है। तो इसमें साटा कंट्रोलर होता है, जैसे आईडी कंट्रोलर, इसी तरह से इसमें साटा कंट्रोलर होता है, मदरबोर्ड में मिलेगा साटा कंट्रोलर। और कम से कम दो साटा कंट्रोलर आपको एक मदरबोर्ड में मिलते हैं आपकी ड्राइव को अटैच करने के लिए, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गई आपकी साटा ड्राइव। इसकी भी परफॉर्मेंस स्लो है, पर इतनी स्लो नहीं है जितनी आईडीई ड्राइव वाली की परफॉर्मेंस। तो जैसे जैसे ये बढ़ती जा रही है आगे, इसकी परफॉर्मेंस इंक्रीज होती जाती है, ठीक है। अच्छा, कॉस्टिंग भी इंक्रीज हो जाएगी। इसकी कॉस्ट जो है वो कम होती है, इसकी कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा होती है। इसी तरह से फिर आगे बढ़ते हैं, आगे हम देखेंगे स्कजी। स्कजी जो होती है, इसे कहते हैं स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। इसे कहते हैं स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस, ठीक है। अभी जो स्कजी ड्राइव होती है हमारी, ये बेसिकली सर्वर के लिए सुटेबल होती है। किसके लिए सुटेबल होती है? सर्वर के लिए। तो ये वाली डेस्कटॉप में ना लग के सर्वर में ही लगती है। देखो, डेस्कटॉप के लिए यहाँ पे आईडीई ड्राइव है, ईआईडीई ड्राइव है, ठीक है। और सर्वर के लिए क्या है? स्कजी ड्राइव है। अब साटा को भी आप क्या है, डेस्कटॉप में डाल सकते हो और साटा को सर्वर में भी डाल सकते हो। तो ये दोनों के बीच की ड्राइव है साटा। अब क्या है कि आईडीई ड्राइव खत्म हो गई है, अब ये आउटडेट हो गई है। ये क्या हो गई है? आउटडेट हो गई है। तो अब साटा ड्राइव ही डेस्कटॉप में लगने लगी है। क्या? साटा ड्राइव ही डेस्कटॉप में यूज आती है। अब क्यों आती है? क्योंकि ये वाली बंद हो गई है, तो क्या लगाएंगे? नहीं लगा सकते। अब ये स्कजी जो ड्राइव होती हैं, ये बेसिकली सुटेबल होती हैं सर्वर के लिए, राइट। और इसमें भी जैसे आपका इसमें रिबन केबल होता है, इसमें भी रिबन केबल टाइप का ही होता है, लेकिन उसको हम बोलते हैं स्कजी कनेक्टर्स, स्कजी केबल, SCSI केबल, स्कजी केबल होती है। स्कजी केबल इस केबल से डिफरेंट होती है, अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ सारे, ठीक है। तो ये आपके सर्वर के लिए यूज़ हो रही है। अब देखो यहाँ पे इसकी नीचे देखो कुछ कैपेसिटी लिख के आ रही है, परफॉर्मेंस 150 IOPS, इनपुट आउटपुट पर सेकंड। देखो क्या होता है, कंप्यूटर जो क्या करता है, हार्ड ड्राइव जब चलती है, या हार्ड ड्राइव चलेगी, घूमेगी, हेड मूवमेंट करेगा आगे पीछे, तो बेसिकली क्या है, इसकी जो रीडिंग और राइटिंग कैपेबिलिटी है वो किससे डिनोट करते हैं? IOPS से, इनपुट आउटपुट पर सेकंड इंस्ट्रक्शंस, यानी कि कितने इंस्ट्रक्शंस को, कितने डेटा को पर सेकंड ये प्रोसेस कर सकती है। तो इसमें 150 लिखा है, ठीक है, और यहाँ पे लिखा है 210। तो ये इससे ज़्यादा जो है, देखो 150 से ज़्यादा है 210। तो ये वाली आपकी, ये भी स्कजी ड्राइव है आपकी, इसकी थोड़ी और परफॉर्मेंस ज़्यादा होगी। तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे परफॉर्मेंस बढ़ती जाएगी। अब सैस आ गई। सैस में देखो क्या होता है, सैस होती है सीरियल एडवांस्ड स्कजी। तो ये भी स्कजी है और ये भी स्कजी है। ये स्कजी जो होती है लार्ज होती है, ये साइज में स्मॉल होती है, स्मॉल इन साइज लार्ज इन कैपेसिटी। कैपेसिटी हाई होती है, कैपेसिटी तो बढ़ गई इसकी, लेकिन इसका जो साइज है वो क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, स्मॉल हो गया साइज। तो इस तरह की जो है, जो कॉम्पैक्ट सर्वर होते हैं उनमें हम लोग इनको यूज कर सकते हैं, सेस को, ठीक है। और आपके जो डिफरेंट टाइप के जो सर्वर्स हो गए, लाइक ब्लेड्स एंड माइक्रो ब्लेड्स, वहां पे सबसे ज्यादा यूज में आती है इस तरह की। इसका जी ड्राइव आउटडेट हो गई, आजकल सर्वर में यूज नहीं हो रही। इसकी जगह कौन सी ड्राइव आपके यूज हो रही है? सेस, ठीक है, ये वाली यूज हो रही है सेस। सेस जो है ब्लेड सर्वर्स और माइक्रो ब्लेड सर्वर्स में काम आती है। अब जो टावर सर्वर चलते नहीं, ये टावर सर्वर में चलती थी पहले। ये जो स्कजी थी ये वाली, ये टावर सर्वर में चलती थी, लेकिन अब ये टावर सर्वर भी आउटडेट हो गया। इसकी जगह आ गया ब्लेड सर्वर एंड माइक्रो ब्लेड्स और रैक सर्वर।
इन तीनों में काम करती है ये, ठीक है, सेस ये वाली। अब इसकी परफॉर्मेंस जो है ज़्यादा है, इससे ज़्यादा है, स्पीड भी ज़्यादा है और साइज में स्मॉल है, तो अच्छी है ये, ठीक है। इसके बाद देखो हमारे पास आती है लेटेस्ट SSD। SSD जो होती है इसमें किसी तरह की मोटर नहीं होती। अभी देखो सब में मोटर लगी है, यानी कि सब में क्या है, प्लेटर भी है और मोटर भी है, लेकिन इसमें क्या है, ना तो प्लेटर है और ना ही मोटर है और ना ही कोई हेड है जिससे मूवमेंट करे। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो, ये जस्ट लाइक ए चिप, ये चिप है या रैम की तरह आप इसे मान सकते हो, ठीक है। तो इसे फ्लैश ड्राइव भी कह सकते हो आप इसे, जैसे पेन ड्राइव होती है फ्लैश ड्राइव, उसी तरह की ये भी क्या है, एक फ्लैश ड्राइव ही है, क्योंकि इसमें किसी भी तरह की मोटर नहीं है, कोई किसी तरह का हेड मूवमेंट नहीं है, ठीक है। और जब हेड मूवमेंट नहीं है तो क्या है, ये ख़राब भी नहीं होगी। जैसे ये ख़राब हो जाएगी चलती 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 क्या है, क्रैश कर सकती है, हेड इसका जो है ख़राब हो सकता है, मोटर इसके अंदर की ख़राब हो सकती है, इसका लॉजिक कार्ड ख़राब हो सकता है, तो ये ख़राब होने की चांसेस ज़्यादा है ये सारी, लेकिन इसमें ख़राब होने के चांसेस बहुत कम है, ठीक है। क्योंकि ये क्या है, एज ए मेमोरी कार्ड की तरह यूज़ होती है और डायरेक्ट आप इसको अपने सिस्टम में अटैच कर सकते हो, ठीक है। ये दो तरह की आती है, एक तो आती है आपकी M2 SSD और दूसरी होती है NVMe, ठीक है। M2 SSD जो होती है इसमें SATA पोर्ट के थ्रू आप इसे कनेक्ट कर सकते हो, जबकि NVMe जो होती है ये अलग टाइप का स्टैंडर्ड कार्ड होता है, ठीक है, जिसे एक स्लॉट में आप यूज कर सकते हो, ठीक है। इसका जो स्लॉट होता है आपका, ये NVMe स्लॉट कहलाता है, ठीक है, बहुत छोटा सा स्लॉट होता है उसमें ये लगती है। इसमें दो तरह की नॉच आती है, टू टाइप्स की नॉच आती है, तो आप परचेज जब करते हो तो इसकी नॉच जो है देख के परचेज करनी चाहिए। NVMe जो है अगर आपने परचेज करी और वो फिट नहीं हुई, इसकी नॉच डिफरेंट टाइप की होती है, तो इसमें कट होते हैं, जैसे इसमें एक कट ये हो गया, एक कट ये हो गया, एक कट ये हो गया, तो तीन कट वाली भी आती है, एक होती है दो कट वाली, एक कट यहाँ होगा एक कट यहाँ होगा, और ये पूरी इस तरह की होती है। यहाँ पे मेमोरी कार्ड लगा होगा, आगे कट होगा इसमें, तो ये डायरेक्ट कट के अंदर फिट हो जाती है। तीन कट वाली भी आती है, दो कट वाली भी आती है, तो आपको अपने हिसाब से अपने लैपटॉप या सर्वर में देखना पड़ेगा कि उसमें किस टाइप का स्लॉट बना हुआ है। तो NVMe जो होती है ये ज़्यादा फास्ट होती है, इसे फास्टेस्ट मेमोरी कहा गया है। उसके बाद M2 या SATA पोर्ट वाली होती है, ठीक है, ये इससे कम स्लो, मतलब ये कम परफॉर्मेंस वाली होती है, ठीक है। लेकिन मतलब दोनों तरह की अगर आप जो है ड्राइव की बात करें तो कम से कम जो स्पीड आपको मिलेगी 6 Gbps/s जो है ये डेटा ट्रांसफ़र कर सकती है, यानी कि 6 GB डेटा 1 सेकंड में ट्रांसफ़र कर सकती है, ठीक है। इसलिए यानी कि परफॉर्मेंस जो है इनकी फास्ट होती है, ठीक है। तो इस तरह का जो डिप्लॉयमेंट होता है उसमें हाइब्रिड डिप्लॉयमेंट कहा जाता है, जिसमें हम दो तरह की ड्राइव यूज़ कर सकते हैं, SSD से बूट कराते हैं और डेटा स्टोर करने के लिए हम लोग SCSI ड्राइव यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सर्वर में भी सूटेबल होती है और आपके जो है लैपटॉप्स वगैरह में भी सूटेबल होती है, राइट। अब हम देखेंगे ये दिखती कैसे हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो पहले हम IDE ड्राइव ये देखो IDE ड्राइव में यूज करोगे, ये आप देख रहे हो ये रिबन केबल है, IDE केबल या रिबन केबल कहते हैं इसे। इसमें आप देख रहे हो ये मल्टीपल जो है पिंस जो है इसमें जो है हार्ड ड्राइव में होते हैं, तो इसमें ये कनेक्ट हो जाते हैं। नॉर्मली ये दो तरह के ऑप्शन होते हैं, 32 34 पिन एंड 40 पिन।
40 पिन जो होता है ये हार्ड डिस्क के लिए होता है नॉर्मली, और 34 पिन जो है ये फ्लॉपी के लिए होता है। पहले फ्लॉपी चलती थी 3.4 इंचेस वाली, तो उसमें यूज करते हैं, और 2.44, ठीक है, तो दोनों में आप यूज कर सकते हो। ठीक है, ये आप जो देख रहे हो ये साटा वाली है, ये साटा कनेक्टर है आपका, और इसे बोलते हैं पाटा कनेक्टर या आईडी कनेक्टर। ठीक है, बात समझ आ गई। आईडी जो ड्राइव होती है वो इस तरह की दिखाई देती है, हार्ड डिस्क। ठीक है, तो इस तरह की जो हार्ड डिस्क होती है इसमें आप देख रहे हो ये आपका जो है ये पिन्स निकली होती है इसमें। ठीक है, मल्टीपल पिन निकली होती है, ये पावर कनेक्टर होता है, यहाँ से आप पावर लगा सकते हो इसकी, और यहाँ से आप केबल लगा सकते हो जो आपकी पाटा केबल है अभी जो मैंने आपको दिखाई थी। ठीक है, तो इस तरह से लगेगी। बीच में जो होता है ये जंपर सेटिंग होती है, जंपर सेटिंग, ये जंपर सेटिंग्स जो होती है इसमें आप देख रहे हो बीच में एक जंपर लगा हुआ है, इससे हम लोग क्या है आईडी ड्राइव को कनेक्ट करने का ऑर्डर बता सकते हैं। तो इसमें जो जंपर होते हैं इसमें देखो प्राइमरी और सेकेंडरी दो तरीके से आप हार्ड ड्राइव को यूज़ कर सकते हो। प्राइमरी ड्राइव जो होती है एक ही केबल से अगर आपने लगा रखी है तो रिबन केबल में दो एंड होते हैं, अगर आप फर्स्ट वाले ऑर्डर से लगा रहे हो, फर्स्ट पॉइंट से लगा रहे हो तो प्राइमरी बनेगी, और उसमें कनेक्टर जो आपका ये होगा जंपर ये फर्स्ट वाले पिन पे ही कनेक्ट होना चाहिए। अगर आप सेकेंडरी बना रहे हो तो आपका जो कनेक्टर है अगर फर्स्ट से भी कनेक्ट है और जंपर सेकेंड में कनेक्ट है तो वो सेकेंडरी ड्राइव बनेगी, प्राइमरी नहीं बनेगी, राइट। और अगर आपने कनेक्टर पहले में लगा रखा है और दूसरे में भी एक दूसरी हार्ड ड्राइव लगा रखी है तो एक बन जाएगी प्राइमरी और दूसरी बन जाएगी सेकेंडरी ऑटोमेटिक। ठीक है, और तीसरा मेथड होता है केबल सेलेक्ट, तो केबल के हिसाब से अगर आप लगाते हो तो वो केबल सेलेक्ट होता है, नहीं तो जंपर सेलेक्ट होता है। ठीक है, तो ये इस तरह का ऑर्डर आप इसमें यूज होता है, तो ऐसे करके आप मल्टीपल ड्राइव कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अच्छा अगर आप साटा ड्राइव देखते हैं तो साटा ड्राइव जो होती है वो थोड़ी डिफरेंट होती है। साटा ड्राइव में देखो इस तरीके से होता है, देखो ये तो हो गया पावर कनेक्टर। ठीक है, और इसके अलावा देखो ये आप देख रहे हो बीच में एक नॉच बनी है, तो साटा में हमेशा क्या होगी बीच में एक नॉच दिखाई देगी आपको, तो यहाँ से आप क्या है साटा केबल लगा सकते हो, और ये साटा पावर के लिए। ठीक है, अब इसमें देखो अलग से ये पावर दिया है, तो ये एक्स्ट्रा पावर है कि अगर आपकी ड्राइव ओल्ड है तो उसमें ये भी दिया होगा, नहीं तो आप ये दो ही आपको इसमें दिए होते हैं कनेक्ट करने के लिए, एक से आप पावर कनेक्ट कर सकते हैं और एक से आप केबल कनेक्ट कर सकते हो, ये दोनों। ये तीसरा जो है तभी दिया जाता है कि अगर उसमें ना हो अलग से, अगर आप जो है इसमें पाटा पावर लगाना चाहते हो तो आप लगा सकते हो उसमें, उसके एडिशनल है ये। ठीक है, तो नॉर्मली आपको इस तरह से मिलेगा आपको ये देखो। ठीक है, तो ये आपके पाटा वाली हो गई, इस तरह से देखो आपने ये लगाया, तो अगर ये वाला पावर आप नहीं लगा रहे हो तो ये वाला पावर भी लगा सकते हो इसमें। ठीक है, तो ये इस तरह से आप कनेक्ट कर सकते हो इसमें, ये पावर लग गया जहां से इसकी पावर आएगी, और ये आपका केबल हो गया यानी ये डेटा के लिए हो गया। ठीक है, स्केजी कनेक्टर, देखो स्केजी केबल जो होती है आपकी वो किस तरह की दिखाई देती है, वो इस तरह की दिखती है। ये देखो ये सर्वर में यूज होती है स्केजी केबल, ये देखो
ये तीन अलग अलग टाइप के कनेक्टर हैं, ठीक है, अलग अलग सर्वर में अलग अलग कनेक्टर जो है यूज किए जाते हैं। एक्सटर्नली एक्सटर्नल स्कसी आपने देखा, इंटरनल स्कसी अलग होता है। इंटरनल स्कसी केबल इस तरह की होती है, ये देखो, ये आप देख रहे हो किस तरह की केबल है, ये देखो, इससे आपकी हार्ड ड्राइव कनेक्ट होगी, SCSI। ये ओल्ड स्टाइल कनेक्टर है, ठीक है, जो पहले चलता था, फर्स्ट टाइम जो है यूज हुआ था ये, ठीक है। इसमें आप देख रहे हो एक कनेक्टर ये है, एक दूसरा भी जुड़ा हुआ है इसके साथ, ये देखो, और देखो ये इस तरह से, तो ये साइड आपके जो है मदरबोर्ड में चला जाएगा और इस साइड आप अपनी हार्ड ड्राइव को कनेक्ट कर सकते हैं। अब बताते हैं सैस ड्राइव। देखो सैस ड्राइव जो होती है ये भी सर्वर में काम आती है। सैस ड्राइव जो है इस तरह की दिखाई देती है, ये सब सैस ड्राइव है। इसमें आपने देखा होगा आगे की तरफ जो है ये इस तरह से, ये देखो ये कनेक्टर बना हुआ है, इसके अंदर लगा हुआ है। ये क्या है, ये इस तरह की जो होती है ये सर्वर में पुश एंड पुल टेक्नोलॉजी में काम आती है, यानी कि सर्वर में लगाने के लिए ये देखो ये इसका बाहर का ये कनेक्टर ये निकल गया है इस तरह से, फिर ये बाहर निकल जाएगी और इसी तरह से ये पुश करके अंदर चली जाती है स्लॉट में, तो इसी हिसाब से ये बनी होती है। इसमें देखो इस तरह का कनेक्टर यूज होता है कंबाइन वाला, ठीक है, ये देखो साटा और सैस में क्या डिफरेंस होता है। आपको लगता होगा कि साटा और सैस जो है उसमें सेम कनेक्टर यूज होता है, पर ऐसा नहीं है। इसमें नॉच से आप पता लगा सकते हो, देखो साटा के अंदर देखो ये बीच में गैप होता है, ये देखो सैस में क्या होता है, ये देखो गैप तो होता है लेकिन ये पूरा इसमें जुड़ा होता है, तो ये कनेक्टर पूरा का पूरा एक मिलेगा आपको, सिंगल कनेक्टर, जबकि इसमें दो कनेक्टर मिलेंगे यहां और यहां लगाने के लिए अलग अलग, ठीक है, ये थोड़ा सा डिफरेंस इसमें होता है लगाने के लिए, ठीक है। देखो रैक सर्वर जो होते हैं हमारे, इस तरह के होते हैं। अब इस तरह के सर्वर में आप देख सकते हो जितने भी ड्राइव आपको लगी हुई मिलेंगी, ये देखो ये सारी जो है, ये देखो ये सारी सैस ड्राइव होती है। तो इसमें देखो बटन, यहाँ पे बटन होता है, ऐसे हल्का सा पुश करोगे तो बाहर आ जाएगी और खींच के आप इसे बाहर निकाल सकते हो, ठीक है, और उसी तरह से आप इसे प्लग कर सकते हो, तो प्लग अनप्लग कर सकते हो आप। इस तरह के जो आपके सर्वर हैं ये रैक सर्वर कहलाते हैं। इसी तरह हमारे ब्लेड सर्वर्स होते हैं, ब्लेड सर्वर किस तरह के दिखाई देते हैं, ये देखो, ये जो देखो ये ब्लेड सर्वर है, तो इसमें आप देख सकते हो, ये देखो ये एक सिंगल ब्लेड है और ये जो आप सामने देख रहे हो माइक्रो ब्लेड है, ये देखो ये पूरा पूरा जो है आप ये देख सकते हो ये पूरा ब्लेड सर्वर है। इसके अंदर मल्टीपल ब्लेड्स लगे हुए हैं, मल्टीपल ब्लेड्स, ये देखो एक सिंगल ब्लेड है ये ब्लेड, ठीक है,
अब ये ब्लेड इसके अंदर इंसर्ट होता है पूरा पूरा, ये पूरा एक सर्वर है ठीक है, और इसके अंदर ये मल्टीपल क्या है ब्लेड्स लगे हुए राइट। तो नॉर्मल, ये नॉर्मल रैक सर्वर है और ये नॉर्मल ब्लेड सर्वर है। तो रैक सर्वर इस तरह का दिखाई देगा, ब्लेड सर्वर इस तरह का दिखाई देगा आपको ठीक है। इसमें मल्टीपल आप क्या है, ये अलग अलग कंप्यूटर है, ये सब क्या है अपने आप में एक पूरा कंप्यूटर है, पूरा एक सर्वर है। इस तरह के मल्टीपल सर्वर के कॉम्बिनेशन से आपका ब्लेड सर्वर बनता है। ये एक सिंगल ब्लेड है, इसके अंदर देखो हार्ड ड्राइव लगी हुई है, इसके अंदर रैम है, मेमोरी है, पूरा एक सर्वर है, पावर लगी हुई है, सब कुछ है। लेकिन ये क्या है कंबाइन में पूरा एक चल रहा है। देख ये कहाँ पे यूज होता है, डेटा सेंटर्स में। जो बड़े बड़े डेटा सेंटर्स हैं वहां पे क्या है इस तरह के ब्लेड सर्वर लगाए जाते हैं, या जो बड़ी कंपनी होती है वो इनको परचेज करती है, क्योंकि वहां पे क्या है कि लार्ज डेटा प्रोसेसिंग की जाती है, इसलिए इस तरह के ब्लेड सर्वर। ऊपर आप देख रहे हो ये रैक सर्वर है, ये रैक सर्वर है, नीचे आप जो देख रहे हो ये पूरा ब्लेड सर्वर है, ये पूरा ब्लेड है ठीक है। ये देखो ये ब्लेड सर्वर, नीचे आप देख रहे हो ये स्टोरेज है, ये स्टोरेज है, स्टोरेज भी कुछ इसी तरह का दिखाई देता है। ये देखो ये आप जो देख रहे हो ये स्टोरेज है ठीक है, तो देख के पता लग जाता है कि क्या है ये माइक्रो ब्लेड है ठीक है। तो ये आजकल चल रहे हैं, अब माइक्रो ब्लेड ही दिखाई दे रहे हैं अब, क्योंकि देखो स्पेस कम रहता है और ज्यादा सर्वर लगाने पड़ते हैं, तो माइक्रो ब्लेड ही अब चल रहे हैं ठीक है। पहले ब्लेड सर्वर जो होते थे बड़े बड़े होते थे, ज्यादा स्पेस लेते थे, अब उनको रिप्लेस कर दिया माइक्रो ब्लेड से राइट। स्टोरेज सर्वर्स किस तरह के दिखाई देते हैं, स्टोरेज इस तरह का होता है। अब स्टोरेज और नॉर्मल ब्लेड सर्वर में क्या डिफरेंस हो गया, आपको लग रहा होगा ये ब्लेड है, ये ब्लेड नहीं है। इसकी पहचान क्या होती है कि इसमें देखो ये हार्ड ड्राइव ही हार्ड ड्राइव लगी होगी आपको, ये पूरी पूरी हार्ड ड्राइव होती है इसमें, ये देखो ये पूरी पूरी हार्ड ड्राइव लगी हुई है, ये कंटिन्यूअस हार्ड ड्राइव लगी हुई है, ये देखो कंटिन्यूअस हार्ड ड्राइव है। तो इससे पता लगा सकते हो ये सर्वर क्या है, कि स्टोरेज सर्वर है, समझ में आया। हाँ सर, नॉर्मल उसमें क्या होगा कि आपको हार्ड ड्राइव की जगह अलग अलग ब्लेड्स नजर आएंगे, थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा आपको ठीक है, दोनों में आपको फर्क नजर आ जाएगा राइट। ये देख रहे हो कतार लगी है पूरी हार्ड ड्राइव की, ये देखो सर निकालते कैसे? ये देखो, हल्का सा पुश किया बाहर आ गया, ये बटन होता है इसमें ओके ऊपर, ऐसे किया देखो ये ऊपर वाला है, कुछ पुश वाले होते हैं कुछ ऊपर करने वाले होते हैं, यहां से आपने ये देख रहे हो नीचे हल्का सा ये होता है, हाँ देखो सर, ये नीचे से देख रहे हो नीला नीला, इसे हल्का सा प्रेस करोगे ना, दबा दोगे इसे तो ये खुल जाएगा ऊपर को, ऐसे डंडी ऊपर हो जाएगी इसकी, और उसको पकड़ के बाहर कर दो इसे ठीक है। फिर उसी तरह क्या करोगे आप, इसे अंदर पुश किया, पहले पूरा अंदर पुश करना पड़ेगा, उसके बाद ये वाली डंडी नीचे कर दो इसकी, तो ये अंदर लॉक हो जाएगी, और ये पूरा इसके ऊपर एक कवर भी चढ़ा होता है जिससे कि कोई हार्ड ड्राइव को निकाल ना पाए, और उसमें लॉक लगाने के लिए होता है। ये तो आपको खुला हुआ दिख रहा है लेकिन खुला हुआ नहीं होता, ये उसके ऊपर एक कवर चढ़ा होता है, लॉक लगा होता है, जैसे कि यहां पे देख सकते हो आप। सर केबलिंग पीछे साइड हो गई ये ना देखो, इसके बिल्कुल? ये देखो हाँ ये सब लॉक है, सिर्फ आप लाइट जलती हुई देख सकते हो इसके अंदर, निकाल नहीं सकते उसको, समझ रहे हो। ओके ओके सर, सर ये हार्ड डिस्क की जो नीचे वाला हिस्सा था पुरानी वाली इमेज में, उसमें जो डिटेल्स दे रखी थी वो उसकी हार्ड डिस्क कौन सी है उसका वो डिटेल दे रखा है? कहाँ पे,
पुरानी वाली जो इमेज हमने ली थी पहले से, उसके जो नीचे जो जो कैप्शन मतलब जो कागज लगे हुए थे। हाँ ये सर, जो नीचे जो, हाँ वाइट कलर के, हाँ नहीं सर ये, हाँ ये वाला मिस रिप्रेजेंट कर, हाँ सर क्योंकि ये नहीं हाँ सर हाँ ये जो, पूरा हाँ हार्ड ड्राइव की पूरी इसमें डिटेल लिखी होती है, कितनी कैपेसिटी की है, कितनी वोल्टेज खा रही है, क्या ये सब लिखा होता है, पूरा पूरी डिटेल होती है। ठीक है ना। सर एक बात जो आ मेरे दिमाग में आ रही थी सर, जैसे हमारे सिस्टम है, हमें तो पता है कि ये मशीन में अंदर ये हार्ड डिस्क है, ये मम्मी है, मगर सर इतने बड़े सर्वर रूम में हमें कैसे पता लगता है कि ये डिस्क है, यहाँ पे जाके हमें देखना है? अरे भैया, सब में नंबरिंग होती है, ओके नंबर पड़े होते हैं, नंबरिंग होती है उसमें, उसके हिसाब से आप उसको देख सकते हो ले जाकर। अब ये आप देख रहे हैं, इसमें चिट लगी है, सब पे हाँ सर, नंबर लिखे होते हैं, बारकोड लिखे होते हैं। ओके अब क्या होता है ना, बारकोड से स्कैन करके आप पता कर सकते हो, इसमें बारकोड बना होता है। तो अगर कोई हार्ड डिस्क फुल वो हो गई, क्रैश हो गई, कुछ हो गई, तो एक तो लाइट देखो, ये जो लाइट होती है ना इसकी, ये ब्लिंक करना बंद कर देगी, ये रेड जलेगी। नंबर लाइट, ठीक है, ओके सर, तो उससे पता लग जाएगी हार्ड डिस्क फेल हो गई है। ठीक है, दूसरा फिर उसके बारकोड को स्कैन करके आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सी हार्ड ड्राइव है ये। ठीक है, ओके उसमें चेसिस नंबर लिखा होता, हार्ड ड्राइव का नंबर लिखा होता, सीरियल नंबर होता, तो उससे पता कर सकते हो। तो जब निकालोगे या डालोगे तो आपको सारी डिटेल देनी पड़ेगी, कौन सी ड्राइव, ठीक है, किस नंबर की ड्राइव फेल हुई थी, कौन सी रिप्लेस की आपने, वो पूरी डिटेल आपको देनी पड़ती है उसमें। बारकोड से स्कैन करके आप उसको, बारकोड स्कैनर आपको पहले कनेक्ट करना होगा, उसके बाद स्कैन करोगे, उसके बाद वो डिटेल ऑटोमेटिकली जो है आपके सॉफ्टवेयर के अंदर आ जाएगी। राइट। मतलब बिजनेस आवर्स में निकाली जा सकती है या बिजनेस आवर्स के बाद ही होती है ये? देखो, ये हॉट स्वैपेबल हार्ड ड्राइव होती है, क्योंकि कभी भी क्या है, डाउन टाइम नहीं होता इसमें, सर्वर जो है चलता रहता है 24x7। ठीक है, डाउन टाइम नहीं होता, चलते में भी हार्ड डिस्क को आप निकाल सकते हो, रैम चलती में भी लगा सकते हो, कुछ भी काम करना हो चलते हुए सर्वर में आप कर सकते हो। ओके सर, अगर डाउन टाइम लेना है तो पहले बताना पड़ता है कि डाउन टाइम चाहिए, अगर कोई मेंटेनेंस करनी होती है। राइट। ओके सर, अभी कुछ स्टोरेज के टाइप आपको बताते हैं। सबसे पहले आता है डायरेक्ट अटैच स्टोरेज, इसे नॉर्मली डैश कहा जाता है। ठीक है, डायरेक्ट अटैच स्टोरेज, देखो डायरेक्ट अटैच स्टोरेज वही है कि भाई आपने एक सर्वर ले लिया, ब्लेड सर्वर हो या आपका रैक सर्वर हो, ठीक है, आपने ले लिया। अब उसमें जो हार्ड ड्राइव कनेक्टेड होंगी, पहले से ही कनेक्टेड होंगी, ठीक है, उसको हम बोलेंगे डायरेक्ट अटैच स्टोरेज। एक सर्वर के अंदर जो नॉर्मली हार्ड ड्राइव अटैच होती है डायरेक्टली, उसको ही हम कहते हैं डैश। तो सर्वर के अंदर जो अपना स्टोरेज है खुद का ही, ठीक है, ओके उसे सर, हम बोलते हैं डायरेक्ट अटैच स्टोरेज। यानी कि डैश डिस्क आर फिजिकली अटैच टू द सर्वर, जितनी भी डिस्क है वो सर्वर से डायरेक्टली अटैच है, तो उसे बोल दिया डायरेक्ट अटैच स्टोरेज, तो वो भी एक तरह का स्टोरेज हो गया आपका। इसके एडवांटेज क्या है, इजी टू कन्फिगर एंड इन एक्सपेंसिव सॉल्यूशन। इजी टू कन्फिगर इसलिए है क्योंकि भाई सर्वर के अंदर हार्ड ड्राइव है, तो आप खुद ही उनको मैनेज कर पा रहे हो, कहीं से वो आइसोलेट नहीं है आपके सर्वर से, कहीं दूसरी जगह लोकेट नहीं कर रही, उसी के अंदर है, तो आप उसे यूज कर सकते हो, कन्फिगर कर सकते हो। इन एक्सपेंसिव है यानी कि वो सर्वर के साथ ही आपको मिलती है, तो अलग से आपको खरीदने की जरूरत नहीं है, और सस्ती पड़ेंगी आपको। ठीक है, डिसएडवांटेज क्या है, आइसोलेटेड बिकॉज इट अटैच ओनली टू ए सिंगल सर्वर, ये सिर्फ एक ही सर्वर से कनेक्ट होती है, अगर एक सर्वर से आपने निकाल दी तभी वो दूसरी सर्वर में जाके अटैच हो सकती है। ठीक है, यानी कि एक टाइम में एक ही सर्वर से एक हार्ड ड्राइव कनेक्ट हो सकती है। ठीक है, स्लो परफॉर्मेंस होती है जनरली इनकी, इन कंपेयर टू नेस और आपका जो सैन होता है, ठीक है, उससे थोड़ा स्लो होती है।
तो इसमें देखो आपकी स्कजी ड्राइव आपकी अटैच होती है, इसमें सैस ड्राइव अटैच होती है और साटा, इन तीनों को आप जो है यूज कर सकते हो इसके अंदर। ठीक है, ओके सर। इसके बाद देखो सेकंड हमारे पास आता है नेटवर्क अटैच स्टोरेज या नैस। देखो नैस इज ए स्टोरेज दैट इज अटैच टू द डेडिकेटेड स्टोरेज डिवाइस एंड इट इज एक्सेस थ्रू द नेटवर्क शेयर्स। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, एक नैस बॉक्स लेना पड़ेगा, ये आपका स्टोरेज बॉक्स होता है, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं नेटवर्क अटैच स्टोरेज। तो इस तरह के जो नैस बॉक्स होते हैं, इसमें क्या होता है, सामने एक स्क्रीन दी होती है, उस पर इसका आईपी एड्रेस लिखा होता है, या जो आप इसमें आईपी सेट करना चाहते हो कर सकते हो। पीछे क्या होता है, एक लैन पोर्ट दिया होता है, इसमें RJ45 जैक लगा होता है, जिसके थ्रू आप इसे कनेक्ट करके अपने नेटवर्क से या स्विच से कनेक्ट कर सकते हो। तो ये आपका एक स्विच हो गया, स्विच में मल्टीपल पोर्ट है, किसी पोर्ट में डाल दो इसे, ठीक है, तो ये आपके लोकल एरिया नेटवर्क या लैन से कनेक्ट हो जाएगा। अब लैन के अंदर देखो हमारे पास क्या है, फाइल सर्वर रखे हुए हैं, तमाम तरीके के अलग अलग सर्वर कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये फाइल सर्वर क्या करेगा, डेटा को स्टोर करने के लिए इस नैस बॉक्स को यूज करेगा, या ये फाइल सर्वर इस तरह से, ये सब लोग अपना सेंट्रलाइज डेटा इसके अंदर डाल सकते हैं। एडवांटेज क्या होते हैं, रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव, सस्ते में लग जाता है, इजी टू कॉन्फ़िगर, इजीली हम इसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, क्योंकि ये आईपी एड्रेस होता है और वेब एक्सेस के थ्रू हम इसे एक्सेस कर सकते हैं, वेब एक्सेसिंग होता है ये। तो आप HTTP डालोगे :// और इसका आईपी डालोगे, एंटर प्रेस करोगे, यूजर नेम पासवर्ड मांगेगा आपसे, ठीक है, आप यहाँ इसके हार्ड ड्राइव को देख पाओगे और इसके अंदर डेटा रख सकोगे, इसके अंदर शेयर फोल्डर बना के डेटा रख सकते हो, ठीक है। तो जितने भी आपके सर्वर हैं उनका डेटा ये सेंट्रलाइज स्टोर कर सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या है इसके, एक तो परफॉर्मेंस इसकी स्लो होती है, स्लोवर एक्सेस टाइम, आपने इसमें डेटा रख दिया लेकिन अगर मैं कह रहा हूँ कि नंबर ऑफ यूजर्स 1000 यूजर इसे एक्सेस कर रहे हैं, तो डाउन टाइम ना हो इसके लिए क्या है, ये सर्वर लगाया गया है, ठीक है। तो क्या है, जितने भी यूजर इसे कनेक्ट करेंगे वो स्लो डेटा एक्सेस कर पाएंगे, कर तो पाएंगे लेकिन थोड़ा स्लो होगा, ठीक है। नॉट एन एंटरप्राइज सॉल्यूशन, ये लार्ज एंटरप्राइज के लिए नहीं है, छोटे नेटवर्क के लिए यूज कर सकते हो। नेस ऑफर द सेंट्रलाइजेशन स्टोरेज एंड अफोर्डेबल प्राइस। नेस जो है वो इसलिए बेटर है क्योंकि अफोर्डेबल प्राइस है और सेंट्रलाइज डेटा स्टोर कर सकते हो आप इसमें, ठीक है। दिखने में कैसा होता है मैं बता देता हूं आपको, ये देखो एक बेसिक सा आपको दिखाते हैं नेट गेयर का नेस बॉक्स। ये देखो नेट गेयर का है ये, यहाँ पे देखो देख रहे हो स्क्रीन है, इसके ऊपर इसमें आईपी एड्रेस इसका आ जाएगा, ठीक है, जब आप इसे कॉन्फ़िगर करोगे। इसमें देखो आप ये देख सकते हो ऑन ऑफ बटन है ये, ठीक है, यहाँ पे इसकी हार्ड ड्राइव जो चलेंगी उनकी दिखा देगा कि 3 या 4 हार्ड ड्राइव कौन कौन सी चल रही है इसके अंदर, ठीक है। बाकी इसमें यूएसबी पोर्ट होता है, इसके पीछे भी एक पोर्ट दिया होता है लैन पोर्ट, जिससे आप इसे कॉन्फ़िगर कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह का ये दिखाई देता है, इसमें देखो एक टाइम में मल्टीपल हार्ड ड्राइव इसके अंदर कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये देखो, ये इसमें देखो 1 2 3 4, ये 4 हार्ड ड्राइव लगाने के लिए दिया हुआ है, ये देखो। तो इस तरह का जो आप देख सकते हो इसमें, देखो ये इसके
आईपी एड्रेस दिखाई दे रहा है, ये इसका आईपी एड्रेस है, यहाँ दिखाई देगा आपको 169.254.100.100 इसका आईपी है। दो तरीके से आप इसे कॉन्फ़िगर कर सकते हो, डीएससीपी से और स्टेटिक आईपी के थ्रू। बाय डिफॉल्ट डीएससीपी से आईपी उठाएगा, उसके बाद आप इसे स्टेटिक कॉन्फ़िगर कर सकते हो। पीछे लैन पोर्ट होता है, लैन पोर्ट को कॉन्फ़िगर करके आप इसे कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है, वेब एक्सेस के थ्रू, ठीक है। ये आपकी हार्ड ड्राइव होती है मल्टीपल, इसमें लगी होती है, इसमें आप सेंट्रलाइज डेटा स्टोर कर सकते हो, ठीक है। ये इस तरह का होता है, तो ये छोटा है, बड़े बड़े भी आते हैं नैस बॉक्स जो है, बड़े बड़े भी, जो अगर बड़ी कंपनी है तो वो बड़े बड़े नैस बॉक्स लगा के रखती है, ठीक है। ये देखो ये कुछ बड़ा है, ये देखो, ठीक है। तो इस तरह भी होते हैं, इससे भी बड़े आते हैं, बहुत बड़े बड़े भी आते हैं, ठीक है। ये देखो ये सब नैस बॉक्स है आपके, इसमें हार्ड ड्राइव लगी होती है, ये देखो। अधिकतर चार हार्ड ड्राइव, आठ हार्ड ड्राइव इस तरह की आप लगा के इसको यूज कर सकते हो। यहाँ पे स्क्रीन पे इसका आईपी होता लिखा हुआ, ठीक है। तो अधिकतर क्या है कि कॉस्ट इफेक्टिव होने की वजह से ज्यादा लोग इसको यूज करते हैं। आप अपने घर में भी इसको यूज कर सकते हो, ज्यादा महंगा नहीं आता, ठीक है, और आप इसको परचेज कर सकते हो अपने डेटा को स्टोर करने के लिए। क्योंकि हमारी हार्ड ड्राइव जो होती है अपने लैपटॉप में, डेस्कटॉप में कैपेसिटी की ज़रूरत पड़ ही जाती है, तो हम लोग भी इसको परचेज करके काम कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखो आता है सैन। सैन को बोलते हैं स्टोरेज एरिया नेटवर्क, स्टोरेज एरिया नेटवर्क। अब देखो जो सैन होता है वो एक स्टोरेज एरिया कहलाता है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, सैन स्विचेस लेने पड़ते हैं। देखो ये हो गए सैन स्विचेस, ये ऑप्टिकल फाइबर होते हैं, इनके थ्रू ही हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने सैन को कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको बॉक्स लेना पड़ेगा, सैन बॉक्स। सैन बॉक्स जो होते हैं इनमें हार्ड ड्राइव ही हार्ड ड्राइव लगी होती है इस तरह की, ठीक है, ऐसे। तो एक सैन के अंदर मल्टीपल जो है शेल होते हैं, ये एक सिंगल जो है, ये सिंगल शेल है, ये स्टोरेज शेल कहते हैं इसे, स्टोरेज शेल, ठीक है। अगर मैंने कहा भाई मेरे पास जो है एक दो तीन चार पाँच फाइव सैन बॉक्स हैं, तो ये पूरे अलग अलग क्या है, ये पूरा एक ही के अंदर माउंट होता है, ये पूरा एक चेसेस है, इसके अंदर मल्टीपल जो है ये माउंट होंगे इसके अंदर, ठीक है। और इसमें हार्ड ड्राइव ही हार्ड ड्राइव लगी होती है पूरे में, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपके सैन को, और ये क्या होते हैं HPA कार्ड के थ्रू कनेक्ट होते हैं इन सर्वर्स के थ्रू। तो ये आपके हो गए आपके स्विचेस, सैन स्विचेस, नॉर्मल स्विचेस नहीं होते हैं, फैब्रिक कहते हैं, ऑप्टिकल स्विचेस होते हैं ये सैन के लिए, ठीक है। नॉर्मल स्विचेस नहीं होते RJ45 वाले, ये सैन स्विचेस होते हैं, ऑप्टिकल फाइबर होती है ये होती है ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है। और इसके थ्रू फिर ये कनेक्ट होते हैं अपने सर्वर्स के थ्रू, मल्टीपल जो है आप वायर के थ्रू इन्हें कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये पूरा जो है ये कहलाता है सैन फैब्रिक, स्विचेस की कलेक्शन है पूरा, और फिर ये आपके सैन जो शेल्स हैं वो यहाँ कनेक्ट होंगे, और ये आपके एक्सेस सर्वर है, ये कहलाएंगे एक्सेस सर्वर, एक्सेस सर्वर जिनसे कनेक्ट होंगे, ठीक है। यहाँ पे भी आपको HPA कार्ड लगाने पड़ेंगे जिससे ये कनेक्ट कर सके, ठीक है। तो ये पूरा इसमें सिनेरियो होता है इसके अंदर। एडवांटेज क्या क्या है देखो, फास्टेस्ट एक्सेस, सबसे ज़्यादा स्पीड होती है इसमें, क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू फाइबर चैनल कनेक्शन बने हुए हैं, फाइबर चैनल,
कनेक्शन। एफ सी कनेक्शन होते हैं, ठीक है। एफ सी और एफ सी ओ ई दो तरह के पोर्ट इसमें यूज होते हैं, एफ सी और एफ सी ओ ई। एफ सी ओ ई का मतलब फाइबर चैनल ओवर इथरनेट एंड फाइबर चैनल, तो दोनों तरह के यूज कर सकते हो आप इसमें, ठीक है। इजीली एक्सपेंडेबल, आप चाहे तो कितने भी शेल्स बढ़ा सकते हो, ठीक है, तो जितने भी आप लेना चाहे उतने ले सकते हो कैपेसिटी के साथ। सेंट्रलाइज क्या है, स्टोरेज प्रोवाइड करता है। हाई लेवल ऑफ रिडंडेंसी, यानी कि मल्टीपल आपके जो है फॉल्ट टॉलरेंस के लिए यूज कर सकते हो आप इसमें, तो रिडंडेंसी बना के रखनी पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपने कैपेसिटी के हिसाब से इनको चूज कर सकते हो। डिसएडवांटेज क्या है कि ये एक्सपेंसिव ज़्यादा है, मोर एक्सपेंसिव। इट इज़ रिक्वायर्ड द स्पेशलाइज स्किल्स टू कन्फिगर द सैंडबॉक्स। सैंड को कन्फिगर करने के लिए आपको स्पेशलाइज स्किल्स चाहिए, ठीक है। सैंड कैन बी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग फाइबर चैनल और iSCSI। चाहे तो आप फाइबर चैनल के थ्रू इसे एक्सेस कर सकते हो, कन्फिगर कर सकते हो, या फिर आप iSCSI प्रोटोकॉल को यूज करके भी इसे कन्फिगर कर सकते हो। अब आपके जो सिलेबस में है वो है iSCSI, और iSCSI दो तरह का होता है, हार्डवेयर iSCSI और सॉफ्टवेयर iSCSI। हार्डवेयर iSCSI एंड सॉफ्टवेयर iSCSI। तो क्या होता है, हमारे विंडो सर्वर के अंदर दिया होता है सॉफ्टवेयर iSCSI। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास देखो सैन तो है नहीं, ठीक है, ना ही फाइबर चैनल कनेक्टिविटी है। हम क्या करेंगे, अपने स्टोरेज सर्वर सर्वर को बनाएंगे स्टोरेज सर्वर यूजिंग सॉफ्टवेयर iSCSI, ठीक है, और उसके थ्रू हम यहाँ पे क्या है सैन जैसी फंक्शनैलिटी ले सकते हैं, ठीक है। iSCSI स्टोरेज क्या होता है, हम क्यों यूज करते हैं? iSCSI स्टोरेज इज एन इनएक्सपेंसिव एंड सिंपल वे टू कॉन्फ़िगर ए कनेक्शन टू रिमोट डिस्क। रिमोट डिस्क का मतलब है कि जो हार्ड ड्राइव्स हैं वो किसी दूसरे लोकेशन पे हैं, लेकिन एक्चुअल में वो सर्वर की हार्ड ड्राइव ही यूज हो रही है, ठीक है। मैनी एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट टू डिक्टेट द रिमोट स्टोरेज कनेक्शंस मस्ट बी रिडंडेंट इन नेचर फॉर फॉल्ट टॉलरेंस एंड हाई अवेलेबिलिटी। इसका मेन बेसिक पर्पज है फॉल्ट टॉलरेंस प्रोवाइड करना, और दूसरा पर्पज है हाई अवेलेबिलिटी प्रोवाइड करना, इसलिए हम लोग iSCSI यूज करते हैं, iSCSI को इसलिए यूज करते हैं। iSCSI यूज करने के लिए देखो इसकी कुछ टर्मिनोलॉजी है जो बता रहे हैं आपको। तो इसमें देखो आपका क्या है, iSCSI टारगेट सर्वर। टारगेट सर्वर इज ए स्टोरेज एरे दैट कंटेन्स द मल्टीपल हार्ड ड्राइव्स। तो ये एक्चुअल में क्या है, आपका स्टोरेज शेल है जिसकी मैं बात कर रहा था, जिसके अंदर हार्ड ड्राइव मौजूद है, राइट? ओके सर, ठीक है। अब आप क्या करोगे, इसको कनेक्शन बनाओगे, ये देखो किसके साथ, अपने सर्वर के साथ। ये हमारा विंडोज सर्वर है, ठीक है, और ये आपका क्या है, मान के चलते हैं हमने डेल का सर्वर ले रखा है, इसमें आपने विंडोज डाल दी, पीछे इसके एफ सी पोर्ट होगा, उसके थ्रू आप इसको कनेक्ट करोगे, ठीक है, इस सर्वर के साथ, ठीक है, और ये इन दोनों के बीच में टीसीपी आईपी कनेक्शन बनाएगा जिसके थ्रू हम इसे यूज कर सकते हैं। अब इसकी जो हार्ड ड्राइव होती है, ये यहाँ पे जो हार्ड ड्राइव है ये यहाँ पे दिखाई देंगी आपको, तो इसलिए इसको बोला रिमोट डिस्क। यहाँ पे देखो लोकेट तो यहाँ करती है, लेकिन दिखाई कहाँ दे रही है, इस सर्वर पे, एज ए हार्ड ड्राइव, इसकी अपनी खुद की हार्ड ड्राइव की तरह दिखाई देंगी। माई कंप्यूटर में यहाँ पे आपको हार्ड ड्राइव नजर आएगी, लेकिन एक्चुअल में हार्ड ड्राइव कहाँ पे है, यहाँ लोकेट करती, राइट? इसको देखो कनेक्ट करने के लिए, देखो iSCSI ट्रांसमिट द iSCSI कमांड ओवर द आईपी नेटवर्क। ये iSCSI कमांड के थ्रू ये कनेक्ट होती है, और ये आईपी के थ्रू यहाँ पे कनेक्शन बनाती है। तो देखो सर्वर का, इसका भी कुछ आईपी है और इसका भी कुछ आईपी है, दोनों आईपी के थ्रू कनेक्ट है एक दूसरे के साथ TCP/IP प्रोटोकॉल यूज करके। तो इसमें देखो आईपी नेटवर्क जो आपका चल रहा है वो क्या प्रोवाइड कर रहा है, हाई परफॉर्मेंस एंड रिडंडेंसी।
तो सर। ये सिर्फ एक से कनेक्टेड नहीं है, मल्टीपल सर्वर से कनेक्टेड। यहाँ पे एक दूसरा सर्वर है, उससे भी कनेक्ट है। ठीक है, ये सेम हार्ड ड्राइव यहाँ भी दिखाई देगी, यहाँ भी दिखाई देगी, राइट? दोनों सर्वर इसको यूज कर रहे हो। मान के चलते एक सर्वर डाउन हो गया, तो ये हार्ड ड्राइव तो यहाँ भी दिखा रही है, यूजर्स इसको एक्सेस कर सकते हैं। अगर यहाँ पे यूजर एक्सेस नहीं कर पा रहे तो यहाँ से कर लेंगे, तो क्या हो गया, रिडंडेंसी हो गई ना। तो दिस इज प्रोवाइड द हाई परफॉर्मेंस एंड रिडंडेंसी, उसकी बात हो रही है। इसका जी टारगेट, टारगेट वो है जिसमें डेटा स्टोर है, जहाँ हार्ड ड्राइव लगी है, उसे बोलते हैं टारगेट। तो आई इसका जी टारगेट ये होता है, रन ऑन द स्टोरेज डिवाइस एंड इनेबल एक्सेस टू डिस्क। हार्ड डिस्क को एक्सेस करने के लिए हमें आईएसकेजी टारगेट की जरूरत पड़ती है। आईएसकेजी टारगेट कहाँ पे रन करेगा? ऑन द स्टोरेज डिवाइस, जहाँ पे आपकी हार्ड डिस्क क्या है, एक्सेस की जाती है। दूसरा पार्ट होता है इसमें इनिशिएटर, आईएसकेजी इनिशिएटर। इनिशिएटर इज अ सॉफ्टवेयर कंपोनेंट फॉर एक्सेसिंग द आईएसकेजी टारगेट। तो ये क्या है, एक सॉफ्टवेयर कंपोनेंट है, ठीक है, जिसके थ्रू क्या है, हमारा जो सर्वर है, हमारी आईएसकेजी टारगेट हार्ड ड्राइव को एक्सेस कर पा रहा है। तो इनिशिएटर कहाँ पे मौजूद होगा, यहाँ पे इनिशिएटर। इनिशिएटर एक सॉफ्टवेयर कंपोनेंट है जिसके थ्रू हम इस हार्ड ड्राइव को एक्सेस कर पा रहे हैं। आईक्यूएन, आईक्यूएन को बोलते हैं इंटरनेट क्वालिफाइड नंबर। इंटरनेट क्वालिफाइड नंबर जो होता है, एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है। यूनिक आइडेंटिफायर का मतलब है कि एक यूनिक नंबर है ये क्या है, यूनिक नंबर है। इस नंबर को हम क्या कहते हैं, एड्रेस ऑफ द इनिशिएटर एंड द टारगेट। ठीक है, तो इसमें दोनों के कॉम्बिनेशन से एक नंबर जनरेट होता है, जिसे आईक्यू नंबर बोलते हैं। हर डिवाइस का एक अलग आईक्यू नंबर होता है, यूनिक नंबर होता है, जिससे कि वो उसको हार्ड ड्राइव को पहचान लेता है कि किस सर्वर पे उस हार्ड ड्राइव को कनेक्ट होना है। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिक जनरेट होते हैं आईक्यू नंबर। ठीक है, ओके सर, ये जो होगा वो कंपनी के खुद का पड़ा होगा, मतलब एक इनिशिएटर और ये खुद के सॉफ्टवेयर होंगे कंपनी के, जैसे अगर डेल का लेंगे नहीं तो नहीं डेल विंडोज का। सर्वर में अवेलेबल है आईएसकेजी। ओके आईएसकेजी टारगेट और इनिशिएटर दोनों आपको मिल जाएंगे। देखो रियल में तो हम लोग यूज नहीं कर रहे, रियल में यूज करने के लिए तो आपको देखो ये जो है ये इंस्टॉल करना पड़ेगा आईएसकेजी। ठीक है, हार्डवेयर आईएसकेजी की अगर हम बात करें तो, लेकिन हम यहाँ सॉफ्टवेयर आईएसकेजी यूज करेंगे तो सारा सर्वर पे अवेलेबल होगा, उसकी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये देखो आईएसकेजी टारगेट सर्वर और आईएसकेजी इनिशिएटर, देखो अब देखो इनिशिएटर, देखो टारगेट सर्वर, इट इज अवेलेबल एज ए रोल इन द विंडोज सर्वर 2012, 12 में भी है, 2016 में भी है, 2019 में भी। ठीक है, ये एज ए रोल की तरह आपको मिलेगा। इसका जी टारगेट सर्वर वो आप इंस्टॉल कर सकते हो। प्रोवाइड द फॉलोइंग फीचर, इसको इंस्टॉल करने से क्या क्या मिलेगा आपको, एक तो नेटवर्क के थ्रू आप डेस्क लेस बूट कर पाओगे, या नेटवर्क के थ्रू आप बूट कर पाओगे। सर्वर एप्लीकेशन स्टोरेज, यानी कि सर्वर को आप एप्लीकेशन सर्वर बना सकते हो, स्टोरेज सर्वर बना सकते हो इसके थ्रू। हिट्रोजीनियस स्टोरेज, इसमें किसी भी टाइप की फाइल को रख सकते हो, इसलिए इसको बोलते हैं हिट्रोजीनियस। लैब इन्वायरमेंट में आप इसको यूज कर सकते हो, रियल इन्वायरमेंट में भी यूज कर सकते हो। ठीक है, इसका जी इनिशिएटर क्या होता है, इट रन ऑन ए सर्विस। ये एक सर्विस होती है जो ऑपरेटिंग सिस्टम में मिलती है, ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम में बाई डिफॉल्ट इंस्टॉल होती है, जैसे विंडोज 8 है, 12 है, विंडोज 7 है, ठीक है, विंडोज 10 है, सभी में ये ऑटोमेटिक सर्विस मिलती है, इनिशिएटर सर्विस। इसको यूज करके हम टारगेट सर्वर को कनेक्ट करके काम कर सकते हैं, राइट? ओके सर।